नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे ब्रह्मांड में भूमिपुत्र, सेनापति, मंगल देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। मंगल देव हुए बुध के, मंगल मिथुन के। तो मिथुन में मंगल जाने पे आपको क्या परिणाम मिलेगा, हम बात करेंगे। संतुलन की लगन, संतुलन की राशि, तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का जो सफ़र है मिथुन में, कैसा फल देंगे मंगल महाराज। मंगल वास्तव में मांगलिक कार्यों के जनक है और आपके बर्थ चार्ट पे मंगल धन देने वाले हैं, मंगल व्यापार देने वाले हैं, मंगल विवाह को आगे बढ़ाने वाले हैं, व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्रथम दृष्टि में मंगल का भाग्य के घर में गोचर करना, व्यापार के स्वामी का भाग्य के घर में गोचर करना, यू टर्न है, बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में प्रथम दृष्टया। वास्तव में कहाँ, कैसे, कब, कितना फल मिलेगा आपको, टू द पॉइंट। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़िए, इतना तो आपके लिए आपको बनता ही है दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बेहतर कहीं मिलता है तो मेरे को अनसब्सक्राइब करके उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पैदा हुए हैं बेहतर प्राप्त करने के लिए। तुला लगन, मंगल देव सेकंड हाउस के कारक हैं आपके और मंगल देव आपके व्यापार के कारक हैं। जब व्यापार का स्वामी और धन का स्वामी दोनों जाएंगे आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य के घर में, तो आपके मंगल को भाग्य का बल मिलेगा। देखो, नवम भाव जो होता है ना, ऐसा घर होता है वहाँ पे जो जाता है उसको प्रसाद मिलता ही मिलता है। आप भंडारे में जाओ और बिना खाए चले आओ, ऐसे कैसे हो सकता है। वहाँ तो लंगर बट रहा है जी, लंगर में आप बैठिए, छकिए और चले आइए। लेकिन पूरे समय तक लंगर नहीं चलता, बाद में ज़्यादा देर रुक जाओगे तो लंगर वाले फिर बोलते हैं आओ भाई जी थोड़ी सफाई भी करवा लो, थोड़े बर्तन भी धुलवा लो, धुलना चाहिए। जैसे मंगल महाराज, एक तो मैंने आपको बताया 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक रहेंगे ये। अब ये नक्षत्र को देखें तो स्टार्टिंग में मृगशिरा नक्षत्र में, फिर आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब तक ये मृगशिरा में बेहतर फल दे रहे हैं, आपके पास दृष्टि जो है ना, तीन दृष्टि रहेगी, तीनों दृष्टि से आप धन कमा सकते हैं, धनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देगा। 6 सितंबर को जैसे ये आर्द्रा में जाएंगे सावधान हो जाइएगा। यद्यपि एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, मैंने देखा है कि अगर आपकी महादशा शुभ चल रही हो और राहु आपके शुभ चल रहे हो, राहु आपके बर्थ चार्ट में लगन में ही हो, ठीक है, राहु आपके बर्थ चार्ट में कुंभ में हो, राहु आपके बर्थ चार्ट में मिथुन में हो, तो ऐसे में जब भी कोई ग्रह आर्द्रा में जाता है तो राहु से शुभ फल प्राप्त करा लेता है। जैसे भारतीय सेना में एक ऐसी पद्धति है कि आतंकवादियों को पकड़ते हैं और आतंकवादियों का माइंड चेंज करते हैं, उनकी एक यूनिट बनाते हैं और उन्हीं आतंकवादियों से फिर आतंकवादी को मरवाते हैं। मतलब शत्रु से शत्रु को मरवा देना, जहर से जहर काट देना, जैसे डॉक्टर करते हैं, सांप ने काट लिया, जहर से जहर काट देते हैं। तो यहाँ पे आप, लेकिन आर्द्रा दो नंबर का काम कराता है। तो एक पॉइंट ये बन रहा है कि शेयर मार्केट में अचानक आपको लाभ हो सकता है, पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट ये बन रहा है, अगर समय अनुकूल नहीं चल रहा है तो अचानक लाभ कराएगा और ले जाके आर्द्रा फंसा देता है, आर्द्रा रुला देता है। आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, गीला कर देना। तो मेरे सिर्फ कहने से, क्योंकि यह वीडियो 60 करोड़ लोगों के लिए है, अब 60 करोड़ लोगों में सब लोग थोड़ी ना पैसा कमा लेंगे मेरे भाई, कुछ लोग
बहुत अच्छा करेंगे और कुछ लोग फंस जाएंगे, कुछ लोग फंसा दिए जाएंगे। इसी परिदृश्य में, इसी समय में कुछ लोगों के मैरिज लाइफ में परेशानी आएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, वो कहीं ना कहीं फालतू इंगेज हो जाएंगे, उनके फालतू वीडियोस बन जाएंगे, उनको दबाव में लिया जाएगा। राहु का मतलब है छल कर देना, और छल ऐसा जो रुला दे। आजकल बहुत से ऐसे कीटाणु टाइप प्रेमी प्रेमिका हैं, या नॉर्मल ऐसे काले काल आ जाती है कि आप उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में एडिटिंग करके, ये जो एआई का ज़माना आया है ना, कृपया इसमें सावधान रहें। आपकी एक फ़ोटो लेके, एक छोटा सा वीडियो लेके इतनी बढ़िया एडिटिंग कर दी जाएगी कि आपको खुद को भ्रम हो जाएगा, यार मैंने ये कब किया। इसलिए कभी आपके परिचित, आपके बच्चों के साथ, किसी के साथ इस तरह का केस दुर्भाग्य से हो जाता है, तो कृपया बच्चों को संभालिए, बच्चों के साथ खड़े होइए। ऐसा नहीं कि आप इस जूता उठाइए, इस मध्य चरण पादुका कर दीजिए, नहीं। ये दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, तो कृपया सावधानी रखें। किंतु यदि आपके राहु अच्छे हैं, राहु की दशा शुभ है, राहु कुंडली में शुभ है, तो इस समय आप दो नंबर के कार्यों से पैसा खूब कमाएंगे। आप बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, आप जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित चीज़ें हैं उन प्रतिबंधित चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं उनका बिजनेस करके, हालांकि सरकार बाद में पकड़ती भी है। तो आप देख लो, आने वाले समय में महादशा अच्छी चल रही हो तो शेयर में जाओ, इस तरह की चीज़ों में जाओ, नहीं तो मत जाओ, इंतज़ार करना। 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा वेट करके चलने का है। इस बीच में किसी भी तरह से नशा की प्रवृत्ति मत पालिएगा, नशा नाश की जड़ है, और जो दो नंबर के कार्य होते हैं ना, इसकी स्टार्टिंग नशा से होती है। चल आज तेरे भाई की तरफ से पार्टी होगी, ठीक है ना, और पार्टी के बाद ही योजनाएँ बनती हैं। तो धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई नए व्यापारिक रिश्ते में आप बढ़ रहे हैं तो कृपया एक कदम रुकिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि यह नया जो व्यापारिक रिश्ता है आपको फंसा सकता है। आर्द्रा है मेरे भाई, आर्द्रा का मतलब ही होता है आर्द्र कर देना, फंसा देना। अब आपके शुक्र महाराज को देखें तो शुक्र महाराज भी ऐसी कंडीशन में चल रहे हैं, वो नीच के हो रहे हैं, ठीक है ना। नीच का होने का तात्पर्य है कि आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाओगे। नीच के कहाँ हो रहे हैं, 12वें घर में हो रहे हैं। 12वां घर किसका है, चलो गोवा इंजॉय करते हैं, मसाज करके आते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों का है। 30 सितंबर को फिर पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र, पुनः चीज़ों को प्राप्त कराने का है। बोलेगा ठीक है, अब बीतीता ही विसार के आगे का सुधले हो, भूल जाओ, मैं सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दूंगा। किंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसा काम ही क्यों करना, कीचड़ में क्यों कूदना, फिर कपड़े चेंज क्यों करना, क्यों स्नान करना, क्यों स्वच्छ करना, कीचड़ में कूदो ही मत। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो राहु को अपने बर्थ चार्ट पे, आप लोगों को राहु को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, राहु की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। हमारे ज्योतिष जगत में राहु शनि इनका मंगल इनका बोलते हैं दान करो, क्यों करें भाई। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एजुकेशन लेके आगे बढ़े, कुछ बच्चे स्पोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं और फिर वो नेम फेम प्राप्त करते हैं, कि आईएएस अधिकारी प्राप्त नहीं कर पाता। भाई विराट कोहली को कौन नहीं जानता, कोई आईएएस को इतना जानता है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, ये जितने भी इस तरह के स्पोर्ट्स में हुए। तो कभी कभी आपकी प्रतिभा दूसरे मार्ग से होकर निकलती है, तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने राहु को ठीक करें, क्योंकि राहु आपके बर्थ चार्ट में तीनों तिकोने में है, राहु ही की माया है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। राहु अगर ठीक नहीं है तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए राहु का दान मत करना, राहु को मजबूत करना। अपने बर्थ चार्ट को सामने रखिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से संपर्क करें। गोचरी स्थित श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना उपासना, मंगल जी को ठीक रखना, भाइयों से संबंध बेहतर रखिएगा, क्या करिएगा, भाइयों से संबंध बेहतर। सप्तम दृष्टि आपके भातृघर पे है, ठीक है, तो भाइयों से संबंध बेहतर रखिएगा। अष्टम दृष्टि सुख के घर पे है, तो सुख मिलेगा।
गोचरी स्थित श्रेष्ठ फल देने वाली है। हनुमान जी की आराधना उपासना इस परिस्थिति को और सुंदर बना देगी। आपके लिए मंगलमय शुभकामना।